नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संसद वाणी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री के बारे में यह बोला कि चीन के आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया गया है, और साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। अगर यह भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए। गौरतलब है कि मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों को लेकर बुलाई गई बैठक के अंत में कहा कि चीन ने जो किया उसे पूरे देश आहत है और आक्रोशित है। एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सब माध्यम से बार बार प्रकट हुई है।